बातचीत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना नीतीश कुमार जी के साथ काम किया जाए, और उनसे जो मेरी 3 राउंड की बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि आप जाइए पूरे बिहार के अंदर और सरकार ने जो कदम उठाए उनको बताने का काम कीजिए, और आप उन लोगों से बात करके 5 महीना 4 महीना जितना भी लगे आगे अल्पसंख्यक के लोग क्या चाहते हैं उन बातों को भी हम तक पहुंचवाइए। तो चाहे वो मदरसे का मामला हो, चाहे वो मजहरुल हक यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए दूसरी चीजें हों, या कोई और नया आइडिया लोगों के पास हो, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो हम तक पहुंचे और उसमें से जो काम भी हो सके बिहार सरकार के द्वारा मैं उसको इनिशिएट करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के जरिया यही कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में खिदमत का जज्बा है और उसके लिए मुझे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ काम करूंगा, और अक्टूबर नवंबर तक, अब तक का जो प्लान है, दरभंगा के अंदर एक बड़ी मीटिंग करके मिथिलांचल और पूरे बिहार से जो हमारे चाहने वाले लोग हैं उनको जमा करके उनकी मौजूदगी में जनता दल यू की रुकनियत हासिल करूंगा और माननीय नीतीश जी और उनकी पूरी टीम के साथ मिल करके बिहार के अंदर और बिहार से बाहर जो उनके क्रांतिकारी कदम हैं, जो उनके क्रांतिकारी जो आइडियाज हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हमसे जो भी योगदान होगा उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। अब जहां तक पार्टी के ज्वाइन करने का मामला है, ये माननीय नीतीश कुमार जी पे छोड़ते हैं, उनको बता देंगे कि मुझे पहले ज्वाइन करना चाहिए या जो प्रपोज्ड बड़ी मीटिंग है दरभंगा के अंदर वहां करना चाहिए। तो मैं इसी के ऐलान के लिए आप लोगों को बुलाया था, और मैं बहुत जल्दी मेंबरशिप पटना में होगा या दरभंगा ही में होगा इसका ऐलान मैं बहुत जल्दी कर दूंगा।